हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, यानी कि वो ऑफेंसेस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड माने जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें 378 से लेकर 462 तक के एमसीक्यूज करने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ए फाइंड्स डायमंड रिंग इन शॉपिंग मॉल। ए को एक डायमंड रिंग मिलती है, तो देखो डायमंड रिंग क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इन अ शॉपिंग मॉल नॉट नोइंग हिम टू बिलोंग ए सेल हिज इमीडिएटली विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर। एक ना डिस्कवर करता है इसका ट्रू ओनर कौन सा क्या नहीं है, उसे क्या करता है, इसे क्या करता है आपका सेल कर देता है। तो यहाँ पर इसने अपने यूज के लिए कर लिया। ठीक है, तो देखो इसने यहाँ पर क्या करा, एक मोबाइल प्रॉपर्टी को अपनी चीज के लिए यूज में कर लिया। ठीक है, और इसका एक इंटेंशन क्या था, इंटेंशन क्या था कि यहाँ पर मेंसरिया क्या था, मेंसरिया ये था कि उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली करा, यानी कि डिसऑनेस्टली उसने उस प्रॉपर्टी को यूज करा। अब डिसऑनेस्टी जो है वो आपका किस कौन से सेक्शन में बताया गया है, डिसऑनेस्टी बताया गया आपका 24 में। ठीक है, तो 24 में आपका डिसऑनेस्टली बताया गया। अब यहां पर इसने उस प्रॉपर्टी को अपने यूज के लिए कर लिया है, और डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। तो यहां पर क्या करा है, ए ने उस चीज को, उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है, क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, वैसे इसका आंसर आपको दिख ही रहा होगा कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। तो मिस अप्रोप्रिएशन के लिए क्या क्या असेंशियल है कि इंटेंशन डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका मिस अप्रोप्रिएट करो या कन्वर्ट करो, तो इसने यहाँ पर उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट भी कर लिया। ठीक है, कैसे, यहाँ पर बेच के डायमंड रिंग को, और इस ऑन यूज शैल बी पनिश्ड ईयर, और इसमें यहाँ पर उसे कितने साल की सजा मिलेगी, आपका 2 साल तक की सजा मिलेगी या फाइन लगेगा। ठीक है, या दोनों चीजें साथ हो सकती है। इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, एक्टस रिया यहाँ पर क्या होता है, यूज करना। ठीक है, तो इसने यहाँ पर यूज किया, मान लो इसे मिली होती, इसने अपने पास रख ली, तो कोई ऑफेंस नहीं बनता क्योंकि इसने ऐसा कुछ करा ही नहीं था। यहाँ पर उसने यूज कर लिया, मेंस रिया भी हो गया, एस्टेब्लिश हो गया, और एक्टस रिया भी, तो इसका आंसर डी है। ए इन अ गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड टू बी ऑन प्रॉपर्टी टेक द प्रॉपर्टी आउट ऑफ द बीस पोजेशन हियर ए कमिट्स नो ऑफेंस। देखो यहां पर वैसे अगर उसने प्रॉपर्टी मूव कर दिया तो थेफ्ट का केस बनता था। ठीक है, बट यहां पर उसने गुड फेथ में करा था, और थेफ्ट जो है आपका 378 में डेफिनेशन है, 379 में आपका ऑफेंस दे रखा है। ठीक है, तो 379 के अगर अकॉर्डिंग बात करें हम, तो यहाँ पर डिसऑनेस्टी इंटेंशन होना जरूरी है। अगर मान लो गुड फेथ की जगह पे मैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन लिख देता, ए डिसऑनेस्टली बिलीविंग प्रॉपर्टी ऑफ जेड, ठीक है, बिलीविंग भी हटा देता, दिस ए डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी ऑफ जेड इज ऑन यूज, तो यहाँ पर और उसको मूव कर देता बी के पोजिशन से। ठीक है, तो उसमें फिर वो थेफ्ट होता, पर यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कोई ऑफेंस ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर गुड फेथ बताया गया। ठीक है, और गुड फेथ आपका डिस्क्राइब है आपका आईपीसी के सेक्शन, ठीक है, आईपीसी के सेक्शन 52 में। ठीक है, और आपका डिसऑनेस्टली डिस्क्राइब है आपका सेक्शन 24 में, सेक्शन 24 में डिस्क्राइब है। ठीक है, तो इसके यहां पर इसने कोई ऑफेंस नहीं करा। जनरली प्रिपरेशन ऑफ एन ऑफेंस डेफिनेशन इज नॉट अ पनिशेबल, बट प्रिपरेशन ऑफ डैश इज अ पनिशेबल अंडर आईपीसी एन ऑफेंस ऑफ डकैती। देखो डकैती की जो वो है, जनरली आपका प्रिपरेशन के ऊपर सजा नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, थेफ्ट के प्रिपरेशन के लिए नहीं मिलेगी, एक्सटॉर्शन के लिए, रॉबरी के लिए मिलेगी, बट डकैती है जिसकी प्रिपरेशन पे सजा मिल जाती है। और इसका सेक्शन बताता है आपका 399 कहता है कि मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकॉइटी। ठीक है, यानी कि डकॉइटी करने के लिए अगर आपने प्रिपरेशन ही करी है तो आपको इसी बात पर सजा मिल जाएगी। ठीक है, और डकैती के लिए 5 बंदे होने चाहिए। एक रॉबरी आपका डकैती कब बन जाती है, जब उसमें 5 बंदे हो जाते हैं। ए फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन सिविल सर्विस इंटेंशन डिसीव्स जेड। ठीक है, ए जो है वो एक अपने आप को बताता है कि मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ। ठीक है, और जेड से मिलता है, दिस डिसऑनेस्टली इंक्लूड जेड टू लेट हिम ऑन अ क्रेडिट गुड्स ऑन व्हिच ही डज नॉट मीन टू पे, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। अब देखो यहाँ चीटिंग कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर इसने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ए फॉल्सली प्रिटेंड, इसने फॉल्सली प्रिटेंड करा है। ठीक है, और फॉल्सली प्रिटेंड करने पर 419 का केस तो अलग बात है। ठीक है, वो तो अलग बात है, पर यहाँ पर उसने क्या करा, प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है। ठीक है, देखो चीटिंग कैसे हुई, एक तो पहली बात तो उस प्रॉपर्टी का वो मालिक नहीं था। ठीक है, और उस अपने आप को उसने मिस रिप्रेजेंटेशन करा, यानी कि वो नहीं था, उसने अपने आप को वो दिखाया। ठीक है, एक तो ये वाली चीज हो गई, दूसरा यहाँ पर उसने उस प्रॉपर्टी डिलीवर हो गई है। ठीक है, तो क्योंकि थर्ड चीटिंग के लिए आपका प्रॉपर्टी डिलीवर होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर है बी। ठीक है, ये नहीं बनेगा, अटेम्प्ट टू एक्सट्रॉशन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं करा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट भी नहीं है, आपका चीटिंग बनेगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी किस में होना चाहिए, आपका एक्सट्रॉशन में होना चाहिए।
ठीक है, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी आपका थेफ्ट में होना चाहिए। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन जो होना चाहिए वो आपका कन्वर्टेबिलिटी यानी कि इसमें होना चाहिए, तो इसका आंसर है टू। और इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होना चाहिए, तो 4312। ठीक है, तो इसका आंसर है ए। एन एफ आई आर इज रिलेटेड टू द ऑफेंस अंडर द सेक्शन 406। 406 की एक एफ आई आर थी, ठीक है, 40 टॉक्स अबाउट की पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, इज लॉज्ड ऑन द एक कब लॉज्ड हुई है ये आपका, ये लॉज हुई है आपका 1/1/2010 में, 1/1/2010 में, 1/1/2010 में, ठीक है। द पुलिस कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट्स अ नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट, एक नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट उसने बता दी कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इसने कुछ नहीं करा। द कोर्ट कंसर्न 2/2/2012 में द कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस अबव ऑफेंस एंड 3/2010 इन दिस सरकमस्टेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें क्या चीज है, द प्रोसीजिंग या बार लिमिटेशन नहीं है, पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो ये वैसे सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका डेट ऑफ कॉग्निजेंस से लिमिटेशन पीरियड काउंट होता है ना कि पहले से, इसका आंसर है डी, नन ऑफ दी। 5% टेकिंग इनलीगल पोजेशन, 5% ने टेकिंग इनलीगल पोजेशन ऑफ अ फील्ड, द ओनर ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी ऑफ द फील्ड कलेक्ट हिज सपोर्टर्स एंड गो टू द फील्ड फॉर ऑस्टिंग द ट्रेसपासर देयर फ्रॉम इन द फ्री फाइट व्हिच इंश्योर द ट्रेसपासर किल वन पर्सन फ्रॉम द कंप्लेनेंट एंड साइड ऑल द अक्यूज्ड कैन बी कन्विक्टेड कन्विक्टेड। अगर यहाँ क्या हुआ, 5% है टेकिंग इलीगल पोजेशन ऑफ फील्ड, उन्होंने एक फील्ड का इलीगली पोजेशन ले लिया, ठीक है, मतलब इन्होंने कब्जा कर लिया इन 5 लोगों ने। द ऑनर ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी ऑफ द फील्ड कलेक्ट हिज सपोर्टर्स, तो ऑनर जो था इस प्रॉपर्टी का, जैसे मान लो ए ऑनर है, ए ने क्या करा, अपने लोगों को लेकर गया एंड गोज टू द फील्ड फॉर आउटस्टिंग ट्रेसपासर्स देयर फ्रॉम, उनको निकालने के लिए, ठीक है, इन द फ्री फाइट व्हिच इंश्योर द ट्रेसपासर विल किल वन ट्रेसपासर किल वन पर्सन फ्रॉम द कंप्लेनेंट, इनमें से किसी एक ने आपका ए के जो समर्थन थे इनके साथ जो गए थे ए के साथ, उनमें से किसी एक को मार दिया, ठीक है, फ्रॉम द कंप्लेनेंट साइड ऑल द अक्यूज कैन बी कन्विक्टेड, क्या आप सारे कन्विक्टेड होंगे, तो इसका आंसर है फॉर द इंडिविजुअल इंजरी कॉज टू द मेंबर ऑफ द कंप्लेनेंट पार्टी, ठीक है, तो इंडिविजुअल इंजरीज कॉज टू द मेंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टी, तो यहां पर क्या होगा आपका इंडिविजुअल की बात हुई है, तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन ऑफ थेफ्ट, इनमें से कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूट करता है कमीशन ऑफ थेफ्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द कमीशन ऑफ थेफ्ट, तो कमीशन ऑफ थेफ्ट के लिए क्या जरूरी है, सी फाइंड द नेकलेस इन द बेडरूम ऑफ डी, डी रिटेन्स द नेकलेस, तो डी ने अपने पास रख लिया, ठीक है, या तो ये सी फाइंड द नेकलेस ऑफ डी ऑन द रोड एंड कीप इट, नहीं ये भी नहीं हुआ क्योंकि इसने अभी तक ये मिस अप्रोप्रिएशन का एग्जाम्पल हुआ और इसमें भी मिस अप्रोप्रिएशन तब हुआ, तब भी नहीं हुआ। सी बाय नेकलेस फ्रॉम ई एंड सब्सिक्वेंटली लर्न दैट ई हैज स्टोल फ्रॉम डी, नहीं इसका आंसर है ए। ए ए से पता चल रहा है कि आपका ए वाले एग्जाम्पल से पता चल रहा है कि वो आपका उसने करा, क्योंकि देखो यहाँ क्या हुआ, सबसे बात आपका एक इमोवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो नेकलेस क्या है, एक इमोवेबल प्रॉपर्टी है, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो नेकलेस एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। द बेडरूम ऑफ डी सी रिटेन दैट, और इसने यहाँ पर रख लिया, तो यहाँ पर उसने उसकी पोजेशन से मूव कर दिया, ठीक है, तो मूव भी हो गई प्रॉपर्टी, टेकिंग कर लिया, टेक कर लिया, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो गई है, ठीक है, तो ये भी चीज इसमें हो गई है, तो इसका आंसर है ए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिमूव्ड अ फाइल फ्रॉम हिज कलीग ऑफिस ऑफिस हाउस, मेड इट अवेलेबल टू द आउटसाइडर एंड रिटर्न इट बैक टू द ऑफिस ऑफ द सेम डे इन द इवनिंग, ए इज अ गिल्टी ऑफ, देखो ए ने क्या करा, जैसे मान लो ए एक आदमी है, उसने अपने कलीग की फाइल को लिया और लोगों को दिखा दी, लोगों को मतलब यानी कि किसी को दिखा दी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बी था, बी की प्रॉपर्टी थी, इसने क्या करा, इसकी प्रॉपर्टी इसकी पोजिशन से इसको मूव कर दिया, ठीक है, और डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी थे, तब इस पर क्या केस लगेगा, इस पर थेफ्ट लगेगा। अब देखो ये क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं हुआ, इसे फाइंड नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए क्या जरूरी है कि इसने अपने यूज के लिए नहीं करा, कन्वर्टेड नहीं करा इसने, यहाँ पर यूज नहीं हुआ, यहाँ पर कन्वर्ट नहीं हुआ चीज का, मान लो ये फाइल को इसके यहाँ से लेता और अपने यूज के लिए कर लेता इस प्रॉपर्टी को, या लेता भी नहीं इसे मिलती, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर इसने प्रॉपर्टी दी नहीं थी, ठीक है, इसने खुद मूव करी है बी की पोजिशन से, ठीक है, तो इसलिए बी है इसका आंसर। अब है अ लेडी विशिंग टू गेट अ रेलवे टिकट फाइंडिंग अ क्राउड एट टिकट विंडो एट स्टेशन आस्क्ड बी हु वाज नियर विंडो टू गेट अ टिकट फॉर हर एंड हैंडेड हिम ओवर टू मनी फॉर द सेम बी टुक मनी एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग टिकट रन अवे विद मनी, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है, बट ऑफेंस बी टेकन, अब इसने यहाँ पर कौन सा, देखो यहाँ पर क्या हुआ है
लेडी ने, मतलब मान लो एक लेडी है, उसने एक रेलवे स्टेशन पे उस टिकट चाहिए थी, लाइन लंबी थी, तो इसमें से लाइन में खड़ा हुआ एक सी आदमी था, इसने उसे कहा कि ये मेरी, मैं आपको पैसे देती हूँ, अब इस पैसे से ना मेरे लिए एक टिकट खरीद लीजिए। अब ये क्या करता है, टिकट खरीदने की जगह, ठीक है, ये टिकट खरीद, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ए जो है वो आपका इसके खिड़की पे था, ठीक है। ए जो लेडी थी लाइन लंबी थी, तो इसने टिकट खरीदने की जगह क्या कहा कि सी को कहा कि आप लाइन में आगे लगे हो, मेरे मेरे बिहाफ पे आप टिकट ले लो, ठीक है। तो इसने जो इसको पैसे दिए, इसने भरोसे से दिए, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, यानी कि इसने इसके से खुद जबरदस्ती नहीं लिए या इसके चुराए नहीं है, इसने पैसे खुद दिए, ये बक गया, ठीक है। मान लो मैंने किसी को, लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को मैंने पैसे दिए, कहा भैया मेरी जगह, मेरे लिए टिकट ले ले, और वो टिकट लेने की जगह पे मेरे पैसे लेके भाग जाता है, तो यानी कि जो प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी हुई है, ठीक है, वो कैसे हुई है, खुद मैंने सेल्फ करी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, थेफ्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि थेफ्ट में क्या होता है, चुपचाप निकालना होता है प्रॉपर्टी को, ठीक है। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने यूज के लिए नहीं करा और प्रॉपर्टी जो है वो वैसे नहीं आई थी। यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर्टी दी थी मैंने वो आपका इंटरेस्ट करके दी थी। जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तो प्रॉपर्टी की जो डिलीवरी हुई है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, तो इसका आंसर है सी। ए फाइंड्स दैट 2000 रुपीस नॉट ऑन अ पब्लिक प्लेस, ही हैड नो आइडिया एज होम द 2000 नोट बिलोंग्स, ही पिक्ड अप द नोट एंड ए हैज कमिटेड द कमिटेड एनी ऑफेंस, हैज नॉट कमिटेड। अब देखो यहाँ पर उसने कमिटेड कोई ऑफेंस क्यों नहीं करा, ए को 2000 रुपए मिले ऑन अ पब्लिक प्लेस, ही हैज नो आइडिया होम द बिलोंग, ही पिक्ड अप द नोट्स, इसने पिक्ड अप करा है ना, अभी उसने 2000 से कोई चीज खरीदी, यानी कि उसने कोई चीज अभी तक खरीदी नहीं है, तो उसने अपनी कन्वर्ट नहीं करा उस पैसे को, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएट गमन नहीं करा उसने अभी प्रॉपर्टी का, तो कोई ऑफेंस नहीं बना। थेफ्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसने चुपचाप निकाले तो है नहीं, क्रिमिनल मिस थेफ्ट अटेम्प्ट की थेफ्ट का भी अटेम्प्ट नहीं बनेगा, डिसऑनेस्ट एंड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसने अभी तक यूज करे नहीं। अगर मान लो 2000 को लेकर जाके एसी खरीद के ले आता, या कोई पेन खरीद के ले आता, या टॉफी खा लेता इन 2000 रुपए की, तो आपका बी बनता, पर यहां पर उसने आपका कोई भी ऑफेंस अभी तक नहीं करा, तो इसका आंसर है आपका डी। रॉबरी इज अ डकैती इफ कमिटेड को जॉइंटली बाय, रॉबरी इज डकैती कब बन जाती है, जब वो पांच बंदों के द्वारा होती है, ठीक है, एटलीस्ट 5% और मोर, ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर, 5 और मोर, यानी कि 5 तो मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आईपीसी टेकिंग प्रॉफिट डिसऑनेस्टली फ्रॉम द डेड बॉडी, तो ये कौन सा ऑफेंस हो गया, ये आपका हो गया अमाउंट अमाउंट ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, ठीक है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ। और ये वाली बात, इसका एक पूरा अलग से सेक्शन भी है, सेक्शन 104 404, ठीक है, 404 इसका एक अलग से सेक्शन भी है, 404, ठीक है। सेक्शन 396 बात करता है आपका कि डकैती विद मर्डर, ठीक है, डील्स विद 396 किससे डील करता है, डकैती विद मर्डर, यानी कि बी एस का आंसर, ठीक है, बी। इन केस ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन सब्सिक्वेंटली इंटेंशन मस्ट बी, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन के लिए सब्सिक्वेंट इंटेंशन, बाद के इंटेंशन क्या होने चाहिए, सब्सिक्वेंट मतलब बाद के क्या होने चाहिए, डिसऑनेस्ट होने चाहिए, ठीक है। ए हु वाज इंटरेस्टेड बाय बी, ए ने इंटरेस्टेड करके एक बी को प्रॉपर्टी दे दी विद सर्टेन ब्लॉक्स फॉर प्रिंटिंग अ कैटलॉग, प्रिंटिंग कैटलॉग्स ऑफ राइवल्स फर्म विद द सेम ब्लॉक, ए इज अ गिल्टी ऑफ कमिटेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, इंटरेस्टेड हो गया तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, ठीक है। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ, आपका कौन सा नहीं है, क्रिमिनल, देखो नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टीज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस, तो यहां पर प्राइवेट ऑफ डिफेंस किसके लिए, थेफ्ट के लिए है, ठीक है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे दी, कहा मेरी गाड़ी तू रख ले, ठीक है, बाद में मैं तेरे से 3 दिन बाद ले लूंगा, अब मैं क्या करूं कि प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैंने प्राइवेट डिफेंस में इसको पीट पाट दिया, तो क्या ये जस्टिफाइड है, तो आंसर है नहीं, ठीक है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, बाकी थेफ्ट के लिए भी है, ठीक है, बाकी आपका थेफ्ट के लिए भी है, रॉबरी के लिए भी है, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए भी है, सबके लिए, बस आपका क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए नहीं है। मैच द फॉलोइंग, अब इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, ठीक है, डिलीवरी ऑफ ए प्रॉपर्टी आपका किस में है, डिलीवरी ऑफ ए प्रॉपर्टी आपका एक्सटॉर्शन में, सेम है इसका, 4312 हमने पहले भी पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, इसमें से कौन सी करेक्ट बात नहीं है, फॉर द थेफ्ट प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल,
ठीक है, तो क्या करेक्ट करेक्ट थेफ्ट के लिए प्रॉपर्टी मूवेबल होना चाहिए, तो ये वाली बात तो सही है, पर हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। फॉर द थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द कॉर्प, ये भी बात ठीक है। फॉर द थेफ्ट सॉरी ये तो पॉइंट ठीक है, फॉर द थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द ऑनर प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि ये नॉट करेक्ट है, ये वाली बात नॉट करेक्ट है, तो बी वाली इसकी नॉट करेक्ट है, बाकी सब सही है, हमें गलत ढूंढना था। ए कट डाउन अ ट्री ऑफ जेड ग्राउंड जेड ग्राउंड विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टू टेक इट आउट ऑफ जेड पोजेशन विदाउट जेड कंसेंट, यानी कि मेरे खेत में से एक पेड़ निकाल के कोई और बंदा लेके जाना चाह रहा है, तो यहां पर उसने कौन सा ऑफेंस करा आपका, थेफ्ट का करा, तो इसका आंसर है ए। नमस्ते सर, हेलो हेलो, ए रिमूव्स बी बुक फ्रॉम हिज हाउस विदाउट हिज कंसेंट विद द इंटेंशन रिटर्न टू हिम, इफ ही एज अ फ्रेंड रिवॉर्ड हिम फॉर अ रिटर्न, ए इज लाइबल फॉर थेफ्ट। देखो क्या हुआ यहां पर कि ए ने रिमूव बीज बुक, ए बी की बुक को रिमूव कर दिया फ्रॉम हिज हाउस विदाउट हिज कंसेंट, मतलब इसके घर से इसकी बुक को चुरा के ले गया एक तरह से, विद इंटेंशन टू रिटर्न हिम इफ ही एज फ्रेंड रिवॉर्ड फ्रॉम हिज रिटर्न, और ये इस इंटेंशन से लेकर गया कि यार जब ये रिवॉर्ड बनाएगा ना, कि रिवॉर्ड घोषित करेगा कि भैया रिवॉर्ड दूंगा मैं बदले में, किसी ने मेरी बुक को ढूंढ के ला के दिया तो मैं उसे पैसे दूंगा, तो इस इंटेंशन से ये ले गया, तो इसने क्या करा, थेफ्ट करा, ठीक है। तो यहाँ इसकी डिसोनेस्ट इंटेंशन क्या थी कि बी जो अपनी बुक को ढूंढने के लिए रिवॉर्ड देगा, मान लो मैं किसी का कुत्ता उठा के ले गया, ठीक है, अब मैं किसी का कुत्ता उठा के ले गया और कहा कि हालांकि मैं उस कुत्ते का कुछ करूंगा नहीं, बेचूंगा कुछ नहीं, पर मैं इस इंटेंशन से लेकर गया कि जब इसे ये पोस्टर छपवाएगा कि इनाम 10,000 रुपए जो मेरा कुत्ता ढूंढ के लाएगा, ठीक है, तो इस इंटेंशन से लेकर गया कि बदले मुझे रिवॉर्ड देगा, बाद में मैंने इसे कुत्ता दे भी दिया इसको, ठीक है, और कैसे इसे ले दिया कि मुझे पैसे थे 10,000 रुपए रिवॉर्ड पे, यानी खुश होकर 10,000 रुपए दे, तो ये मैंने क्या करा, थेफ्ट करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ थेफ्ट, तो थेफ्ट के लिए क्या जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ प्रीमिसेस ऑफ द इमोरल प्रॉपर्टी ऑफ पजेस्ड बाय विक्टिम, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बाकी सब आपका ठीक है। द प्रोपोजिशंस आर, क्या प्रोपोजिशंस है आपके, रॉबरी में बी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है, ये भी बात ठीक है आपका। वेन रॉबरी बाय थेफ्ट इन नो फेयर ऑफ इंजरी इज नेसेसरी, नहीं ये वाली बात गलत है, फेयर ऑफ इंजरी आपका होना जरूरी है। वेन रॉबरी इज बाय एक्सटॉर्शन नो फेयर ऑफ इंजरी इज, तो रॉबरी कमिटेड इधर बाय थेफ्ट और एक्सटॉर्शन फेयर ऑफ इंजरी, तो वन एंड टू जरूरी है। देखो रॉबरी में और एक रॉबरी जो होती है वो आपका थेफ्ट भी होती है, वो आपका एक्सटॉर्शन भी होती है, ठीक है, पर रॉबरी कब थेफ्ट और कब एक्सटॉर्शन बन जाती है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फेयर ऑफ इंजरी होना जरूरी है, फेयर ऑफ इंजरी होगी तो ये तब आपका वो बन जाएगी, ठीक है। करेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज डिफाइंड 378A, तो इसका आंसर डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर, ठीक है, डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन, तो ये जरूरी है। Z इज अ पैरामोर ऑफ एक्स जेड वाइज वाइफ, Z वाइज वाइफ Z, यानी कि शी गिवन अ गोल्ड रिंग टू X, विच X नोज दैट इज दैट Y एंड Z हैज नो अथॉरिटी फ्रॉम Y टू गिव X दिस ऑनेस्टी, तो यहां पर उसने क्या करा, थेफ्ट करी है, ठीक है, यानी कि उससे प्रॉपर्टी मूव करी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हैज नॉट बीन कमिटेड, यहां पर कब थेफ्ट नहीं हुआ, देखो ए कट्स दैट कट, देखो इसका सीधा आंसर ये आता है कि ए फाइंड्स अ रिंग, ए को एक रिंग मिली है, ठीक है, ही टेक्स द रिंग एंड कीप द सेम हिमसेल्फ, ठीक है, अपने पास उसने रख लिया, तो यहां पर उसने क्या करा है, देखो थेफ्ट के लिए क्या जरूरी है, मूवेबल प्रॉपर्टी होना, चलो रिंग एक मूवेबल प्रॉपर्टी थी, दूसरा इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, यहां पर वो चीज नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरी बात, यहां पर जो प्रॉपर्टी मूव करी हो, एक्यूज ने खुद मूव करी हो, ठीक है, यानी कि यहां पर जो ये मालिक है, मान लो बी मालिक है, ए नौकर है, अब जो बी ने इस ये प्रॉपर्टी ली है, ये खुद से ली हो इसने, सॉरी ए ने ये प्रॉपर्टी मालिक से जो ली है वो खुद से जो गायब करी हो, ठीक है, मान लो ये पेन पड़ा हुआ है, ये पेन है, इस पेन को मैंने चुपचाप गायब कर दिया, तो ये मैंने क्या करा, आपका चोरी करी है, ठीक है, तो यह चीज है। ए सॉ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस ऑफ जेड, ए रिमूव्स द रिंग, व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो यहां पर उसने कौन सा ऑफेंस करा, थेफ्ट का करा, तो उसका आंसर है ए। थेफ्ट इन अ ड्वेलिंग हाउस इज डिस्क्राइब्ड इन, थेफ्ट आपका ड्वेलिंग हाउस में कहां डिस्क्राइब करेगा, 380 में करेगा, तो इसका आंसर है सी। विच इज वन ऑफ द नॉट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ थेफ्ट, क्या एसेंशियल नहीं है, आपका ऑनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, तो इसका आंसर है सी।
डेडिकेट्स हिज विल टू ए, ए इंटेंशनली राइट्स डाउन अ डिफरेंट लेगेटी फ्रॉम द लेगेटी नेम, ठीक है, एक जेड ने अपनी एक विल डिक्टेट करी है डिफरेंट नाम से, ठीक है, जेड बाय रिप्रेजेंटिंग दैट ही हैज प्रिपेयर्ड द विल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन इंड्यूस जेड टू साइन द विल ही हैज कमिटेड। अब देखो इसमें क्या हुआ, देखो उस केस में क्या हुआ है, उस केस में ये हुआ है कि एक मान लो ए की विल है, ठीक है, ए की विल है, ए ने बी को डिक्टेट करा है कि तू ये प्रॉपर्टी एक्स 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 वाई और जेड के नाम कर दियो, मेरी प्रॉपर्टी जो है वो एक्स वाई जेड के नाम कर दियो तू। अब बी क्या करता है कि इन तीनों का नाम हटा के आपका सी डी का नाम लिख देता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इसने क्या करा, बी ने क्या करा, फॉर्जरी करी है, बी ने क्या करा, फॉर्जरी करी है, ठीक है। तो यहां पर इसने फॉर्जरी करी है, चीटिंग नहीं करा क्योंकि कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, फैब्रिकेटिंग ऑफ फॉल्स एविडेंस भी नहीं करा, मिसअप्रोप्रिएशन भी नहीं करा, इसने यहां करा फॉर्जरी करी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि फॉर्जरी के लिए गया, हूएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिकल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड। तो यहां पर उसने क्या करा, डॉक्यूमेंट की को मेक फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाए, फॉर्जरी के लिए क्या जरूरी है, फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बनाना, तो ठीक है, यानी कि ए जेड ने कहा था कि मेरी प्रॉपर्टी एक्स वाई जेड के नाम कर दे, पर उसने ये प्रॉपर्टी किस ए ने किसके नाम कर दी, सी डी के नाम कर दी, यानी कि जिनके नाम जानी थी उसको पलट ही दिया, तो इसने फॉर्जरी करी है। विद अ व्यू ऑफ टू कॉजिंग लॉस टू हिज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइंग एम्प्लॉई थ्रो अवे अ रिंग गिव हिम अप बाय द एम्प्लॉयर फॉर अ सेफ कस्टडी द एम्प्लॉई इज अ गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखो यहां क्या हुआ, विद अ कॉजिंग लॉस ऑफ हिज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई थ्रो अवे अ रिंग टू हिम बाय द एम्प्लॉयर फॉर द सेफ कस्टडी द एम्प्लॉई इज अ गिल्टी ऑफ। देखो क्या हुआ कि कॉजिंग लॉस के वजह से एम्प्लॉयर ने टू हिज एम्प्लॉयर एन एम्प्लॉय, यानी कि मालिक ने मालिक मालिक और नौकर की बात हो रही है, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, ठीक है, और एम्प्लॉय मतलब नौकर, ठीक है, थ्रो अवे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने क्या करा, अपने मालिक की जो अंगूठी थी उसे थ्रो अवे अ रिंग गिवन टू हिम द एम्प्लॉयर फॉर सेफ कस्टडी। मान लो मेरे मालिक ने मुझे एक प्रॉपर्टी दे रखी थी, ठीक है, और मैंने जान के कि इसका नुकसान हो जाए मैंने उस अंगूठी को पानी में फेंक दिया। अब देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मैंने जो ये प्रॉपर्टी को मूव करा, यहाँ पर सब पहली बात तो यहाँ प्रॉपर्टी मूव हुई नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे मालिक ने मुझे दी, जैसे समझो कि मेरे मालिक ने मुझे कोई प्रॉपर्टी दी और कहा कि इस प्रॉपर्टी इसको अपने पास रख ले, मैंने क्या करा पानी में फेंक दिया, सूर्य का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कौन सा ऑफेंस करा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा, तो यहाँ पर क्या है सी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, ए टेक्स टेक्स अ कैमरा बिलोंगिंग टू बी, ए ने बी का कैमरा ले लिया आउट ऑफ हिज पोजेशन विदाउट द कंसेंट विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट टिल गेट अ रिवॉर्ड फ्रॉम बी, रिवॉर्ड वाली बात आ गई तो इसने थेफ्ट वाली बात करी है, ठीक है, खुद रिमूव करा तो थेफ्ट हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट हैज नॉट बीन कमिटेड, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कहां पर कमिटेड नहीं हुआ, तो सी वाले में ए फाइंड्स अ रिंग, सी वाली बात है यहां पर सिंपल। हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टी एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट द पर्सन कंसेंट मूव दैट प्रॉपर्टी फॉर फैक्चुअल सिचुएशन बालू एंड रामू, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, देखो ये राम गिल्टी ऑफ, रामू इज अ गिल्टी ऑफ थेफ्ट, थेफ्ट है, तो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, पढ़ सकते हो। थेफ्ट के लिए इज ऑफेंस अगेंस्ट, थेफ्ट अगेंस्ट पोजेशन किस चीज के लिए आपका ऑफेंस है, ये ऑफेंस है आपका पोजेशन, ठीक है, पोजेशन इसमें मूव हुई है, ठीक है, ऑनरशिप वाली बात नहीं है, पोजेशन वाली बात है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक बात बताओ, ए के पास ए मेरा नौकर है, ठीक है, ए मेरा नौकर है, मैंने अपने नौकर को कोई प्रॉपर्टी दे रखी थी, सी आता है मेरे नौकर के यहाँ, मेरे नौकर के घर से वो प्रॉपर्टी मूव कर देता है, तो क्या इसका ऑनरशिप होना जरूरी था इस प्रॉपर्टी के लिए, तो आंसर है नो। किसी की पोजेशन से कोई चीज मूव करी हो चाहे उसका वो ऑनर हो या ना हो तो भी आप पे थेफ्ट लग जाएगा, तो इसका आंसर था यानी कि ऑनरशिप, सॉरी पोजेशन। ए पर्सन अंडर गोइंग लाइफ इंप्रिजनमेंट इफ इफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज्ड देयर बाय ही मे बी पनिश्ड विद आपका ऑल ओवर लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ एंड इंप्रिजनमेंट। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ए पर्सन अंडर गोइंग लाइफ इंप्रिजनमेंट, उसको अंडर गोइंग लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली हुई है, इफ अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर एंड हर्ट इज कॉज देयर बाय ही मे पनिश, अब इसमें इसी दौरान वो अटेम्प्ट करता है किसी को मर्डर करने का भी और हर्ट करने का भी, तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट भी मिल सकती है, दोबारा डेथ भी हो सकती है उसकी और इंप्रिजनमेंट की भी सजा हो सकती है, तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड एज अ मेंसरी ऑफ कंसीडरिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, तो इसके लिए डिसऑनेस्टी होना चाहिए, नोइंग और इनवॉलेंट्री और फॉर्डुलेंटली नहीं,
डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो चाहिए, एक का फायदा दूसरा का नुकसान 24 में बताया गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन एंड टू दे रखिए। ए द ऑनर ऑफ ए वॉच गिव द हिज वॉच टू रिपेयर अगेंस्ट अ चार्ज टू बी। ए हाउएवर टुक अवे द वॉच आफ्टर रिपेयरिंग विदाउट पेइंग द एनी चार्ज एंड विदाउट द कंसेंट ऑफ बी। ए हैज मेड हिमसेल्फ लाइबल टू द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट एज ही हैज अटैक्टेड विद द इंटेंशन ऑफ द टाइम ऑफ टेकिंग हिज वॉच बैक। द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट इज अगेंस्ट द पोजेशन। तो इसका आंसर है आपका बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वे। इसका आंसर क्या है ए। An automatic box of box was the property of the company. The box contained a slit of sufficient size of to admit a coin and projecting button. The box was constituted that upon the coin. Guilt of theft. So, iska answer kya guilt of theft. Which one of the following is not a character sketch of offense of theft? So, iska answer hai, mobile property is not necessary. ठीक है? तो theft के लिए क्या है? Movement of property is not necessary. उसकी movement होना जरूरी नहीं है. तो इसका answer है D. Danish find a gold ring on a road. Not knowing to whom the ring belongs, Danish pick up the ring. Danish is the guilty of which offense of IPC? So Danish किस offense के लिए जिम्मेदार है आपका? A. No offense करा. क्या करा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने convert नहीं करा किसी भी property को अपने use के लिए, इसलिए. A made a bullock cart carrying a box of treasure. He drives the bullock in a certain direction, ordered that he may dishonestly take a treasure. In this case, A committed theft as soon as bullet cart to move. ठीक है, यानी कि उसने क्या करा, उसने वो सामान नहीं चुराया, उसने वो जिस सामान जिस बुलेट कार्ट में रखा था उसी को ले गया। ठीक है, या उसकी डायरेक्शन चेंज करवा दी। जैसे मान लो ये एक गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में सामान है, मैं इतना गाड़ी को चुरा रहा हूँ, इस सामान को चुरा रहा हूँ, मैं इसका ये सर इसको जाना था इस रास्ते पे। ठीक है, मैं इस रास्ते पे डाइवर्जन क्रिएट करवा देता हूँ किसी तरह, ये बोर्ड का बढ़वा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, चोरी करी है। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ बी। तो यहाँ पर अटेम्प्ट टू थेफ्ट वाइज प्राइवेट डेफिनेशन को पढ़ लेना। ठीक है, उसने वो मारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम इज पनिशेबल। क्राइम प्रिपरेशन और कमिट तो डेकोर्टी के लिए होता है। ठीक है, आपका डेकोर्टी का वाला सेक्शन था इसका 399। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल, इसमें से कौन सा पनिशेबल है? एक्ट ऑफ ए पर्सन अंडर इंटॉक्सिकेटेड कंज्यूमर वॉलंटरी। तो इसका आंसर है सी। X on a highway finds a 100 rupee note, not knowing who is the owner of pocket. Which offense he has been committed? तो इसने कौन सा offense करा? No offense. इसने क्या करा? No offense. तो इसका answer है C. A trusted his hand into a Z pocket with a pick to his purse. The pocket was empty. Pocket जो थी वो empty थी. In this matter, the statement is given true. तो इसमें क्या statement सही है? इसका D. कि जो A is a guilty or liable for murder. D. इसका answer है D. A being Z servant and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly run away with his plate without Z's consent. He has committed the theft. तो उसने क्या करा? Theft करा। तो उसका आंसर है C. A finds a valuable ring. A को एक valuable ring मिली, not knowing to whom it belongs. किसकी है ये उसे नहीं पता। A sells it immediately. तो उसने यहाँ पर बेच दिया। तो उसने misappropriation करा। A है। The subject matter of theft is movable property होनी चाहिए। अब देखो इस वाले में क्वेश्चन में क्या हुआ? इसमें क्या हुआ है? कि आपका ए ने एक एक ऑर्नामेंट्स का बॉक्स खोला, उसमें पर कुछ था नहीं, उसमें देखा उसने, जैसे मान लो मैंने एक बक्सा खोला, बक्से में कुछ था नहीं, तो यहाँ मैंने क्या करा, अटेम्प्ट टू थेफ्ट लगेगा मेरे पे। ठीक है, गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू थेफ्ट। तो इसका आंसर है डी। थेफ्ट हैज बीन डिफाइंड, थेफ्ट इज में 378 में 379 में पनिशमेंट दे रखी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस अंडर द आईपीसी 1860 द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट अवेलेबल। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू एक्सटेंड कॉज ऑफ डेथ किस चीज के लिए अवेलेबल नहीं है? आपका एक्सट्रॉशन के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी एसिड अटैक के लिए भी है, रॉबरी के लिए भी है और डकैती के लिए भी है। आप इसमें राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप इसमें यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और आप किसी भी तरह का नो प्राइवेट डिफेंस, कोई भी तरीके का प्राइवेट डिफेंस आप कब यूज नहीं कर सकते? ठीक है, आपका क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं कर सकते, कोई भी तरह के चेक रिव्यू असर्ट करना हो या कॉजिंग डेथ हो, ये तो बहुत दूर की बात है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाली कोई चीज हो तो उस में यूज नहीं कर सकते कोई प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, देखो यहाँ पर उसने कौन सा ऑफेंस करा? आपका एक्सट्रॉशन करा है। देखो क्यों करा? एक आदमी है, उसके पास एक लड़की की इंडिसेंट पिक्चर्स है, यानी कि कोई अश्लीलता वाली है वैसी कोई फोटो है, ये उसे थ्रेट करता है कि मैं तेरी फोटो सबको दिखा दूंगा और उससे 1,00,000 रुपये मांगता है। तो लड़की उसे 1,00,000 रुपये दे भी देती है, गिव हिम द डिमांडिंग मनी। अब यहाँ पर उसने कौन सा ऑफेंस करा है? एक्सट्रॉशन करा है। तो इसका आंसर है टी।